हाय, मैं राजीव सर। आज मेंसुरेशन का पार्ट टू लेके आए हैं। इससे पहले एक मेंसुरेशन का वीडियो हम जो बनाए हैं वो समबाहु त्रिभुज पर बनाए हैं, जिसमें अंतर्वृत्त, बाहवृत्त सब की चर्चा किए हैं। जो लोग नहीं देखे हों वो ज़रूर देखिए, आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल होगा। एग्जाम के व्यू से सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की दोनों का एक कॉम्बिनेशन आज बताएंगे। सीधे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पढ़े होंगे बाबू कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी है, तो मान लो कि यहाँ पे ये ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा या एक्स हो जाएगा, कुछ भी तो चेंजिंग होगा बाबू। या ये दोनों एक्स हैं और यहाँ के सामने इसका ए हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें पूछेगा क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज है बाबू, ये कौन सा त्रिभुज है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है बाबू सब भुजाओं का योग। तो एक्स प्लस ए बराबर हो जाता है 2x प्लस ए। लेकिन ये तो आसान है, ये आपको याद रहेगा, लेकिन बहुत लोग जो हैं इसकी फार्मूला भूल जाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का समकोण त्रिभुज याद रहता है, तो जिसको अगर आपको ध्यान में, अगर समकोण त्रिभुज है तो समझिए कि ये आपको याद हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं बाबू, तो एक बटा दो, क्या पढ़े हैं बाबू, एक बटा दो आधार गुने क्या ऊंचाई, आधार गुने क्या बाबू, आधार गुने हम क्या करेंगे ऊंचाई, ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो भी लिख देना। सेम अगर ये चीज़ आपको याद रहेगा तो हम समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कन्फर्म हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ध्यान देना है बाबू, इसको एक लंब डालेंगे और इसका हो जाता है मान 80, बस याद रखना है। अब यहाँ पे लिखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करना क्या है, पहले ध्यान देना है, इसको याद रखना है। एक बटा दो मैंने समकोण त्रिभुज पे एक बटा दो, यहाँ पे एक बटा दो कर देना है। आधार आपका यहाँ पे क्या है, बेस नीचे वाला ए, तो ए कर देना है। और शीर्ष लंब या ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू शीर्ष लंब या ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण होता है, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अगर हम लोग बचपन में पढ़े हैं बाबू कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, हमने पढ़े हैं बाबू कि लंब का स्क्वायर और प्लस क्या बाबू आधार का स्क्वायर, क्या पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको दिया है सामने वाले, तो एक्स का स्क्वायर, लंब हमको पता करना है, आधार हमको दिया है, तो ये पूरा है तो ये आधा हो जाएगा ए बाई टू, और पूरा का क्या स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, तो लंब हमको पता चल जाएगा बाबू, लंब हमको पता चल जाएगा कि रूट अंडर कर देना है एक्स का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर बटा में क्या कर देंगे ए बाई टू का पूरा का होल स्क्वायर, ए बाई टू का पूरा का क्या ए बाई टू का पूरा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन हम हड़बड़ाइएगा नहीं बाबू। अब इसको हम क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, लंब बराबर इसका समान का एक्स स्क्वायर और असमान का लिख देंगे बाबू ए बाई टू का पूरा का क्या होल स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा गौर करना है, फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या कि आपको आधार का याद रखना है समकोण त्रिभुज, और इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन भी इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो थोड़ा कन्फर्म हो जाइए। इस फार्मूला को हम कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा, कैसे बनाएंगे। मान लो कि ये समान भुजा है और ये दोनों असमान, ये असमान भुजा है, क्लियर है असमान भुजा है। अगर यहाँ बाबू दे दिया कि यहाँ ये छः है, यहाँ छः है, और यहाँ बोलेगा कि ये आठ है, छः
छः छः और कितना है आठ है, और बोलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो प्रताप सिंह हमको करना क्या है, एक बटा दो करना है। आधार यहाँ पे आधा है नहीं पूरा है, तो आधार आठ है और फिर रूट अंडर कर देना है। यहाँ पे छः है इसका एक्स का मान, तो छः का स्क्वायर कर देना है छत्तीस, और ए का आधा मतलब आठ का आधा होता है चार, और चार का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ हो गया एक बटा दो और आठ, और यहाँ हो गया बाबू छत्तीस और ये सोलह आ गया। एक कट गया यहाँ चार से और ये दोनों का अंतर हो गया बीस। फिर इसको तोड़ कर जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार और क्लियर हो जाइए, पहले क्या करेंगे एक बटा दो लिखेंगे, आधार आठ है तो आठ लिखेंगे, यहाँ पे छः है तो छत्तीस करेंगे, और इसका आधा करेंगे तो चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर करेंगे सोलह, तो यहाँ बीस हो जाएगा, और फिर ये कट के आ जाएगा तो चार रूट गया बीस आ जाएगा। फिर से एक बार और समझिए बाबू, ध्यान से समझना है कि अगर यहाँ पे बाबू अगर यहाँ पे आठ हुआ और यहाँ पे दस हुआ, तो पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। प्रताप सिंह क्या करेंगे बाबू, एक बटा दो करेंगे, यहाँ पे आठ लिखेंगे और फिर रूट अंडर, यहाँ पे नहीं आठ नहीं यहाँ पे लिखेंगे दस, बेस का आधार लिखेंगे और फिर यहाँ आठ का स्क्वायर करेंगे चौंसठ, और दस का आधा कितना होता है पाँच, और पाँच का स्क्वायर करेंगे तो पच्चीस, ये कट जाएगा बाबू पाँच से, तो पाँच हो जाएगा चौंसठ में यहाँ पे नौ हो जाएगा, और पाँच होगा तो यहाँ पे तीन हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो गया पाँच रूट उनचालीस, क्या हो जाएगा पाँच रूट कितना हो जाएगा बाबू उनचालीस हो जाएगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है तो देखना है। लिखेगा क्या समद्विबाहु, बोलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बोल देगा बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दे देगा कि परिमाप 100 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 100 मीटर है, और इसे बोलेगा कि समान भुजा लिखेगा, समान भुजा एवं असमान भुजा का अनुपात, एक का अनुपात जो है दो अनुपात एक है, तो क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया बाबू 100 सेंटीमीटर, और समान भुजा जो दिया है और असमान भुजा का अनुपात दो अनुपात एक आया है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो गौर से देखिएगा, इसको बनाने का कला देखिए, बस यहाँ प्रताप सिंह लिखेंगे बाबू कुछ नहीं, समान का मतलब है पहले इसका परिमाप निकालना, तो यहाँ समझो ये समान है और ये भी समान है, तो दो और यहाँ पे एक, अनुपात में जब भी आता है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 2x समान एक और 2x आएगा, फिर x आएगा बराबर कितना 100 आ जाएगा। क्लियर है, सबको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 5x बराबर 100 करके x का मान कितना आया 20, क्या आया 20, इसका मतलब हमको कन्फर्म है कि समान भुजा हमारा अनुपात में है, और यहाँ हो गया असमान भुजा बाबू, तो यहाँ ये बताए थे 2x और ये हो गया यहाँ 2:1 था, तो ये हो गया 2x और ये हो गया x, तो दो में अगर हम क्या हैं 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और x में हम 20, एक में एक है यहाँ पे तो 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब असमान भुजा हमारा कितना आया 20, और समान भुजा कितना आया 40 आया। अब इसको हमारा क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है बाबू क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है ए बी सी, अब यहाँ पे असमान भुजा 40 है, यहाँ भी कितना 40 है, और यहाँ पे कितना है 20 है, तो फार्मूला के अनुसार पहले क्या करना है एक बटा दो लिखना है, बेस हमारा 20 है तो 20 कर देना है, फिर रूट अंडर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, और फिर 20 का दिया करेंगे तो 10, तो 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ रूट अंडर घटा के आ जाएगा 1500। अब 1500 को तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, तो 10 रूट 15 गुने क्या आएगा बाबू 100, तो 100 का वर्गमूल जो होता है कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10 और रूट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इस तरह का होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन। क्लियर है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो मनोबल को इसी तरह बढ़ाते रहिए और क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। एक क्वेश्चन और इस पर क्लियर हो जाइए, एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेना है क्या, कि अगर इसका अनुपात अगर हम कुछ भी दे दें बाबू, मिटा दें
से समझिएगा, यहाँ समान है तो दो बार लिखिए और समान है तो एक बार लिखिए, फिर सबको आपस में जोड़ देना है। क्लियर है? अब हम इसको जल्दी कैसे बनाएंगे, अब जल्दी कैसे बनाएंगे, जैसे आपको दे देगा कि परिमाप ऐसे देगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बोलेगा कि 80 सेंटीमीटर है, गुड। फिर बोले कि उनके समान भुजा, ध्यान देना बाबू, समान भुजा एवं क्या है, और समान भुजा, और समान भुजा का अनुपात दे देगा बाबू, बोल देगा कि दे देगा कि 3:2 है, कितना है 3:2 है, तब इसका क्षेत्रफल निकालें तो समान है तो फटाक से कर देना है 3x 3x + 2x, और यहाँ पे लिख देना है 80, दोनों को जोड़ेंगे तो 8x 8x = 80, कट के x का मान कितना आएगा 10, इसका मतलब ये हो गया 30 और ये हो गया क्या 20, तो समान भुजा वाला में आ गया बाबू कितना 30 और ये हो गया 30 और ये हो गया कितना 20। और फिर फटाक सिंह क्या करेंगे, आधार गुणे सिरसलम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900 और इसका आधा 10 करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे ये कट जाएगा 10 से तो 10 रूट कितना आ जाएगा 800, फिर 800 को तोड़ कर जो आएगा तो 800 को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 400 × 2, तो 400 का वर्गमूल होता है 20 और उसके बाद √2, तो उसके बाद जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। हमें लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ होगा, खूब खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।